अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मेरा ये सवाल है जी, ये टीवी आहिस्ता करें आप जी। अपना जी। अच्छा लाओ टीवी रोका, लाओ रोका। अच्छा जी, मेरा पहला सवाल ये है कि मैं हर वक्त अटलांटिक सिटी से बात कर रही हूँ। आपको खुदा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और खुदा आपको हमेशा आपका साय हमारे सरों पे कायम दायम रखे। हर वक्त बीमार रहती हूँ, उन्होंने मुझे एक वजीफा बताए कि मैं वो पढ़ूँ। और ये बताएं कि क्या हुजूर बाबा आदम से लेकर अब तक कितने मतलब सारे लोग काफिर थे? क्या मुसलमान काफिर ज्यादा थे, मुसलमान कम थे? आखिर ये क्यों? ठीक, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। हाँ, जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है, बीमारी का मामला है, उसके जो सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह मिला के 41 दफ़ा रोज़ पढ़ें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस तरह आमीन तक पढ़ें। पढ़ के बदन पे दम करें, पानी दम करके पानी पी लें। तो ये आप शुरू कर दें, 90 दिन तक पाबंदी से करें, इंशाल्लाह किसी भी किस्म की जो बीमारी होगी वो रफ़ा हो जाएगी, आपको सेहत तो आफियत होगी। बाकी जो दूसरा सवाल किया है, हाँ, अलकुफ्र मिल्लतुल वाहिदा भी है, हदीस में आता है पूरा कुफर एक होता है, और कुफर की मकदार जो है मोमिन से ज़्यादा होती है, ज़ाहिर छिलका ज़्यादा हुआ करता, मगज़ कम होता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जो है वो ऐसे ओवरऑल जो है एवरेज अगर लें तो कुफर ज़्यादा ही रहा, और जब वो अहले ईमान कम रहे ये सिलसिला रहा, तो आज तक भी यही सिलसिला कि अहले कुफर ज़्यादा हैं और अहले ईमान कम हैं, और अहले कुफर सारे के सारे एक होते हैं। अहले ईमान जो है वो बस औकात मुख्तलिफ किस्म की जो है चीज़ों के अंदर फ़िरका वारियत का मामला आ गया, दूसरे इख्तलाफात आ गए, बाज़ इख्तलाफात तो रहमत हैं लेकिन बाज़ इख्तलाफात जो ऐसे हैं कि जो मुसलमानों को कमज़ोर कर देते हैं। तो बहरहाल ये बात अपनी जगह सही है कि कुफर ज़्यादा रहा और अहले ईमान कम रहे। बाकी क्यों क्यों का जवाब तो अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं, लेकिन बात वही है कि खालिस माल कम ही होता है और छिलका जो है वो घास फूस ज़्यादा हुआ करता है, इसमें कोई ऐसी क्यों की बात नहीं है। बाकी ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला हमें खालिस और मुखलिस मुसलमानों में शामिल रखे। बहुत शुक्रिया।